हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईपी बोर्ड में क्लास 11th में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर भारत की स्थिति, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसका परिचय, भारत का नाम, भारत कैसे पड़ा और हिंदुस्तान कैसे पड़ा, इसके बारे में देखिए। भारत का नाम यानी आर्यवर्त कैसे पड़ा, क्योंकि यहाँ पर आर्य लोग विदेशों से आकर के यहाँ रहने लगे, उन्होंने भारत को आर्यवर्त कहा, तभी से इसका नाम आर्यवर्त रखा गया। और जो यूनानी लोग थे उनके बाद यूनानी लोग यहाँ आए, यूनानियों ने इंदुस को कहा और इसका नाम आगे चल करके क्या हुआ, हिंदुस्तान नाम पड़ा। तो यूनानियों ने हमारे देश को हिंदुस्तान कहा और आज वो प्रचलित वर्तमान में जो नाम हमारे देश का है भारत, वो राजा भरत के नाम से भारत इसका नाम पड़ा। और संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के हमारे देश का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 1 में जो भारत और इंडिया को माना गया है उसी के अब है इसकी आकृति। हमारा जो भारत देश है उसकी आकृति कैसी है, कैसा इसका विस्तार है, कैसा फैला हुआ है, ये सारी चीज है। तो हमारे देश भारत की जो आकृति है वह चतुष्कोणीय आकृति है। अब है प्रायद्वीप, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो प्रायद्वीप वह क्षेत्र है जो जल से तीन ओर से घिरा हुआ होता है, उस क्षेत्र को, उस भूमि को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो हमारे देश भारत का विश्व में सातवां स्थान है। कौन से स्थान पर है, सातवें स्थान पर है। और जो हमारा भारत जो स्थित है, इसकी स्थिति है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। किसमें, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है हमारा भारत देश। अब इसकी भूमि, भूमि कहां तक इसकी फैली हुई है, कैसा इसका, कहां से कहां तक इसका क्षेत्र है, आप देखिए। आप उत्तर में कश्मीर से लेकर के और पूर्व में कन्याकुमारी तक, कहां तक, कन्याकुमारी तक ये हमारा फैला हुआ है। और इधर अरुणाचल से अरुणाचल में और पश्चिम में गुजरात तक इसकी स्थिति फैली हुई है। नेक्स्ट है हमारी अभी भारत का अक्षांशीय प्रभाव, क्या जो हमारे देश का अक्षांश है उस पर, उसका हमारे देश पर क्या प्रभाव है। अब देखिए कर्क रेखा, कर्क रेखा साढ़े 23 डिग्री, कितनी, 23.5 डिग्री उत्तर, उत्तर से दक्षिण में 23.5 डिग्री उत्तर से दक्षिण में भारत का जो आधा हिस्सा है, आधा भाग है वो कैसा है, किसमें स्थित है, इसका हमारा जो आधा भाग है वो उष्णकटिबंधीय भाग में स्थित है। और इसका दूसरा भाग, जो इसका जो दूसरा भाग है वो उपोष्णकटिबंधीय भाग में स्थित है। यह स्थिति, यह स्थिति, यह स्थिति भारत की भू आकृति, किसको, भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों और प्राकृतिक वनस्पतियों, यह भारत की स्थिति, जलवायु,
मिट्टी के प्रकारों और प्राकृतिक वनस्पतियों में जो भिन्नता पाई जाती है ना, जो हमारे प्राकृतिक पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, कहीं किसी प्रकार के हैं, किसी स्थान पर दूसरे प्रकार के हैं, ये भिन्नता क्या है, इस भिन्नताओं के लिए यह है पूर्ण रूप से स्थिति क्या है, उत्तरदायी है। और भूमध्य रेखा पर, किस पर, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष भर, यानी पूरे वर्ष सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो यहां पर सीधी पड़ती हैं, जिससे वहां पर दिन और रात एक समान होती है।